हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यू सीरीज की। इसके दो सीजन आ चुके हैं और हम सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। तो आज इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो सीजन 1 में एक लड़का और एक लड़की की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को हद से ज्यादा प्यार करोगे तो क्या होगा। और ये काफी अच्छी सीरीज है जिसकी रेटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखी रही होंगी। मेरे लिए एक क्यूट, साइको और थोड़ी डार्क टाइप की लव स्टोरी है। इसका लास्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो आगे की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जब जो को लगता है कि पीच मर गई है, बट ऐसा नहीं होता है। अब 3 दिन बीत चुके होते हैं और जो बैक के घर वापस जाता है पीच से मिलने, क्योंकि वहाँ पीच और उसके सारे दोस्त होते हैं। तो जो एज अ केयरिंग फ्रेंड जाता है, उसको अंदर अंदर ऐसा डर भी लगा रहता है कि कहीं पीच ने उसको देख ना लिया और उसके पीछे पत्थर से मारते हुए। बट पीच जो को बताती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई स्टॉकर लगा हुआ है जिसने उसका लैपटॉप भी चुराया था और अब जान से मारने का ट्राई कर रहा है। तो जो को अंदर थोड़ी राहत मिलती है और पीच जो से वहाँ जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उस हादसे के बाद किसी लड़के को अपने साथ नहीं देखना चाहती। तो जो वहाँ से जा ही रहा होता पर उसको एक पेपर दिखता है पीच के पर्स में, जो कि पेरिस की फ्लाइट की फर्स्ट क्लास टिकट्स होती हैं बैक और पीच की। तो जो समझ जाता है कि पीच बैक को उससे हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। तो नेक्स्ट डे बैक जो से मिलने आती है और बताती है कि पीच उसको अकेले अपने साथ एक जगह ले जाना चाहती है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। और बैक उसके साथ जा रही है कुछ दिन के लिए और जो उसको मना करता है और बता देता है कि पीच तुमसे प्यार करती है, उससे दूर रहो। बट बैक उससे गुस्सा होकर चली जाती है। और अब जब पीच और बैक वहां जाते हैं तो जो भी पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन रात में कार के सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है जिससे जो की कार पेड़ से जाके टकरा जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। और वो सीधे सुबह उठता है और वहां पर फर्स्ट टाइम हम लोगों को कैंडिस दिखाई जाती है, जो कि जो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसकी बाकी की स्टोरी सीजन 2 में है कि क्या हुआ था उसके साथ। सिर में चोट की वजह से जो ये सब सोच रहा होता है और तभी पुलिस वहां आ जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। और वो अपना नेम स्पेंसर बताता है और पुलिस वालों को उस पे शक हो जाता है। तो वो उसको वहां से जाने को बोलता है, बट गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। और अब जो उस जगह पहुंचता है जहां बैक और पीच होते थे, लेकिन इस टाइम पीच और बैक घर से बाहर गए होते थे, वहां कोई नहीं होता था। तो जो अंदर जाता है और अपने सर पे टाके लगाने लगता है, बट बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो रात हो चुकी होती है और वहां पर पीच और बैक आ जाते हैं और जो छुप है। और बैग नहाने जाती है तो पीच बैग को नहाते हुए देखती है और जो पीच को देख रहा होता है। और फिर जो को टॉयलेट लगती है तो वो बगल में एक जार में कर देता है और फिर उसको वहीं रख देता है। और फिर नीचे चला जाता है और पीच को आवाज आ जाती है, तो वो भागते हुए अपने पर्स के पास जाती है और उससे गन निकाल लेती है, पर उसको कोई नहीं दिखता। लेकिन जो उसको देख लेता है गन के साथ। फिर बैग आती है एक ड्रेस पहन के जो पीच ने उसको पहनने के लिए बोला था, एक सरप्राइज बोलकर। और एक ओल्ड फ्रेंड आता है राज, यही सरप्राइज होता है। और फिर ये तीनों ड्रग्स लेते हैं और जो गन ढूंढने में लग जाता है और पीच के बेडरूम में गन मिल जाती है। बट तभी वहाँ वो तीनों आ जाते हैं तो वो बेड के नीचे छुप जाता है और पीच बैक को किस करती है। उसके बाद बैक को अच्छा ही लगता तो वहाँ से चली जाती है और पीच एंड राज नाइट स्पेंड करते हैं और जो को उनके बेड के नीचे ही रात भर रहना पड़ता है। फिर मॉर्निंग में राज चला जाता है और बैक भी वहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, तो पीच को ये देख कर बुरा लगता है। और पीच उसको पेरिस जाने का टिकट दिखाती है और बोलती है, वहाँ हम अकेले जाएंगे और हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और तुम उस लूजर जो को छोड़ दो। तो बैक उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वो समझ जाते हैं कि जो सही कह रहा था कि पीच उससे प्यार करती है। और पीच ये देखकर बहुत नाराज होती है और जो को फिर कैंडिस के सपने आने लगते हैं और पीच ये देखकर उसके पीछे जाकर मार देती है और उससे गन छीन लेती है। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं बैग को लेकर। और जो के हाथ में बेंजी की घड़ी देखकर पीच समझ जाते हैं कि जो ने बेंजी को मार डाला। तो अब जो वहां से भागने का ट्राई करता है पर पीच उसके पैर में गोली मार देती है जिससे जो वहीं गिर जाता है और पीच को लगता है कि जो मर गया। बट फिर जो अचानक से पीच के ऊपर हमला कर देता है और पीच के सर पे गोली मार देता है और फिर उस पूरी जगह को ऐसे सेटअप कर देता है कि ऐसा लगे कि पीच ने सुसाइड किया है। और जो वहां से चला जाता है बट वो एक चीज भूल जाता है, वो जार जिसमें उसने टॉयलेट करी थी। और फिर वहां पुलिस आती है और नेक्स्ट डे सबको पता चल जाता है कि पीच ने सुसाइड कर लिया। और बैक इस बात से काफी नाराज होती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पीच ने ऐसा उसकी वजह से किया। और अब एक नई स्टोरी शुरू होती है। एक मंथ हो चुके हैं और बैक और जो साथ में होते हैं हंसी खुशी, लेकिन अब हमको जो एक थेरेपिस्ट के यहाँ बैठा हुआ मिलता है और वो अपनी सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है। बट वो उसको बैक का नेम नहीं बताता, किसी और का नेम
नेम यूज करता है और वो ऐसा क्यों करता है हम आगे देखेंगे। एंड बिलीव मी, इस पॉइंट से ये स्टोरी एकदम अलग लेवल पे चली जाती है। सो स्टोरी पे वापस आते हैं। थेरेपिस्ट जो से उसकी सारी प्रॉब्लम्स पूछता है उसके रिलेशनशिप में। सो जो बताता है उसकी रिलेशनशिप अच्छी जा रही थी, उसको बैग के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि उसने बैग का ओल्ड फोन भी छुपा कर रख दिया था, उसको यूज करना बंद कर दिया था। बट फिर धीरे धीरे उसको अजीब लगने लगा, लाइक बैग थोड़ी चेंज होने लगी है और बैग कभी टाइम पे नहीं आती है और उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करती है। और जब उससे जो पूछता है तो बताती है कि वो डॉक्टर निक के यहाँ थेरेपी करवा रही है क्योंकि उसको पीच के हॉरर ड्रीम्स आते हैं, तो वो थेरेपी में बिजी रहती है। और वो बैग का थेरेपिस्ट और कोई नहीं, वही होता है जिससे जो ये सारी बातें कर रहा होता है। और जो गुस्सा होता है कि बैग का इस डॉक्टर निकी से कोई चक्कर चल रहा है। और फिर बैग का बर्थडे आने वाला होता है तो बैग ने जो को साफ बोला होता है कि उसको कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए। बट बैग के फ्रेंड्स के कहने पर जो एक बड़ी बर्थडे पार्टी का प्लान करता है और बैग के लिए सरप्राइज होता है। तो जब बैग वो पार्टी में पहुंचती है तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको पार्टी नहीं करनी थी, वो पीच को भूल नहीं पा रही थी। तो जो और बैग की आपस में बहस हो जाती है और जो बैग को बोल देता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई नया आ गया है, और वो बैग से उसका फोन मांगता है। तो बैग उसको अपना फोन चेक करने को बोलती है बट कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो फोन चेक नहीं करता और बैग वहां चली जाती है। और जो ये सारी बातें थेरेपिस्ट को बता रहा होता है, और कुछ दिन बाद बैग जो को सॉरी बोलने आती है और फिर से ये दोनों साथ आ जाते हैं। बट जो एक चीज नोटिस करता है कि बैग के फोन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बैग उसके सामने वो मैसेजेस कभी नहीं खोलती है। तो जो को बैग का ओल्ड फोन निकालना ही पड़ता है और वो उसमें मैसेजेस पढ़ लेता है जिसमें हर्ट्स वाले इमोजीज बने थे। तो जो फिर से बैग का पीछा करता है कि वो कहां जा रही है, बट बैग उसको पकड़ लेती है और उसका पीछा करते हुए, और बैग उस पे बहुत गुस्सा होती है और बहुत चिल्लाती है और चली जाती है। और जो थेरेपिस्ट के रूम से जाने के बाद उसके रूम में घुसता है और उसका लैपटॉप चेक करता है और बैग की सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करता है थेरेपी सेशंस की, बट जो को कुछ नहीं मिलता। जो को वो सारी रिकॉर्डिंग्स एकदम नॉर्मल लगती हैं और उसका शक हट जाता है डॉक्टर निक्की को लेकर। और अब जो सीधे बैग के घर जाता है और उसको सॉरी बोलता है, और इतना सब कुछ हो चुका है तो वो दोनों फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। और जो को बहुत बुरा भी लग रहा होता है। और फिर जो अपने अपार्टमेंट चला जाता है तो वहाँ उसकी पड़ोसी कैरन होती है और फिर जो उसके साथ इंटीमेट होता है, बट वो बैग को भूल नहीं पा रहा होता। और अब जो कैरन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और वो दोनों खुश भी होते हैं, बट जो डेली बैग की प्रोफाइल चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं, और बैग भी जो को भूली नहीं होती है, वो भी उसकी प्रोफाइल चेक करती है। और एक्चुअली बैग को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं होता कि वो कैरन के साथ रिलेशनशिप में आ गया है, लेकिन बैग की दोस्त उसको जबरदस्ती उससे उसके सारे ऑनलाइन अकाउंट्स बैन करवा देती है क्योंकि बैग एक बड़ी राइटर बन चुकी होती है। सो अब उसका सारा फोकस राइटिंग पे होना चाहिए था। तो फिर एक दिन जो कैरन के साथ डिनर पे जाता है और वहां बैग भी दिख जाती है, और बैग और जो को देख के साफ पता चल रहा था कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। और फिर दोनों आपस में मैसेज खेलने लगते हैं। जो बहुत कंट्रोल करता है कि रिप्लाई ना दे, बट कभी नहीं रोक पाता अपने आप को। और इसीलिए बैग और जो दोनों फिर से अपनी थेरेपी स्टार्ट करते हैं डॉक्टर निकी के पास, और डॉक्टर उन दोनों को सलाह देता है कि भूल जाओ एक दूसरे को। फिर धीरे धीरे करके बैग और जो मिलना स्टार्ट करते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं। और फिर एक बार बैग जो को एक जगह इन्वाइट करती है और वहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ये दोनों बार बार मिलते हैं और प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर एक दिन पाको की मॉम घर आती है और वो बहुत ज्यादा नशे में होती है, उसको ड्रग की लत पड़ जाती है। सो जो उसको अपने बेसमेंट वाले रूम में ले जाता है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसको ढूंढ ना सके। और उसका बॉयफ्रेंड जो के पास आता है, उससे पूछताछ करने लगता है कि पाको की मॉम को लेकर, बट जो कुछ नहीं बताता उसको। और कुछ टाइम बाद पाको की मॉम ठीक हो जाती है, उसकी ड्रग्स की लत छूट जाती है, बट वो वापस से अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में आई थी। जो ये देखकर बहुत हैरान होता है और फिर जो कैरन के पास जाता है और फाइनली उसको सब कुछ सच बता देता है बैग को लेकर, और उससे ब्रेकअप कर लेता है। और कैरन काफी गुस्सा होती है और जो तुरंत भाग के बैग के पास जाता है, और वो दोनों फिर से वापस आ जाते हैं और सबको लगता है कि चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, जब बैग बाहर जाती है तो उसको कैरन मिलती है और वो इससे बोलती है कि अच्छा हुआ मैं जो से अलग हो गई, क्योंकि जो बहुत डेंजरस है, तुम नहीं जानती वो क्या कर सकता है। तो बैग उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो को कैंडिस के सपने आते हैं तो उसके मुंह से कैंडिस निकल जाता है और बैग ये सुन लेती है। तो बैग को कैंडिस को लेकर डाउट हो जाता है क्योंकि बैग जब भी कैंडिस के बारे में पूछती है जो से, वो बात पलट देता था। तो फिर बैग अपनी रिसर्च स्टार्ट करती है कैंडिस को लेकर। वो सोशल मीडिया की हेल्प लेकर कैंडिस के सारे फ्रेंड्स को कॉन्टेक्ट करती है, सबके पास जाती है, सबको कॉल करती है। और सबको बस इतना पता होता था कि लास्ट टाइम कैंडिस जो के साथ थी और फिर एक दिन उनके ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से कैंडिस उनसे कभी नहीं मिली। तो बैग को ऐसा लगता है कि जो ने कहीं उसको जान से तो नहीं मार दिया, क्योंकि जो बोलता है कि वो इटली गई थी और कैंडिस के सोशल मीडिया पे इटली की एक भी फोटो नहीं होती है। और इधर हम लोगों को कैंडिस और जो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि जो और कैंडिस एक अच्छे कपल होते थे, बट फिर कैंडिस जो को एक लड़के के लिए चीट करती है और जो को उस लड़के पे इतना गुस्सा आता है कि वो उसको टेरेस से नीचे फेंक देता है और वो मर जाता है। और फिर बैग जो से जाके पूछती है उस कैंडिस के बारे में कि क्या हुआ था, तो जो उसको प्रूफ कर देता है कि उसने एक न्यू आईडी बनाई है और वो एक न्यू लाइफ जीने गई है, इसीलिए वो इटली चली गई और उस न्यू आईडी में कैंडिस की इटली की सारी फोटोज थी। तो तब बैग को जो पे भरोसा
हो जाता है। फिर वो दोनों एक दिन ऐसे ही नॉर्मल जा रहे थे रोड पे, तो बैक को कॉल आ रही होती है, बट वो कट कर रही होती है बार बार। तो जो उसको घर छोड़कर अपनी गन लेता है और मास्क पहनकर डॉक्टर निकी के पास जाता है और उसके सर पर गन रख के उसका फोन लेता है, और जो को जिस चीज का डर होता है वही होता है। डॉक्टर निकी ही बैक को कॉल कर रहा होता है और उसमें डॉक्टर निकी और बैक की सारी फोटोज होती है। ये देखकर जो एकदम पागल हो जाता है, पर वो डॉक्टर को जाने देता है, वो उसको जान से नहीं मारता। वो भाग के सीधा बैक के पास जाता है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। लास्ट में यही पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? तो बैक बोलती है कि ये सब पास था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के साथ, और अब मैं सिर्फ तुमको ही प्यार करती हूँ। तो वो दोनों फिर सब भूलकर साथ आ जाते हैं और नेक्स्ट डे दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर पाको आ जाता है और जो बाहर खाना लेने गया होता है, तो बातों बातों में पाको बैक को बता देता है कि जो सीक्रेट चीजें बाथरूम के ऊपर छिपाता है। तो बैक जाके ढूंढती है, उसको लग रहा था कि कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, बट जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसमें बैक का फोन, पीच का फोन, बेंजी का फोन और बेंजी के दांत रखे होते हैं। ये देखकर बैक बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी जो भी घर आ जाता है और बैक सब जल्दी साफ करके बाहर आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। तो जो बाथरूम में फर्स्ट एड लेने जाता है और उसको जमीन पर बेंजी का दांत दिख जाता है और वो समझ जाता है कि बैक सब जान गई है और बैक वहां से जाने वाली होती थी, बट उससे पहले वो उसको पकड़ लेता है। और फिर बैक को जब होश आता है तो वो जो के बेसमेंट वाले रूम में पड़ी होती है और बहुत डरी हुई होती है। और पीच की फैमिली वालों ने डिटेक्टिव रखवाया होता है क्योंकि उनको नहीं लगता कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है, तो वो साइड में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और बैक उस रूम में जो को बहुत गाली दे रही होती है, बट जो उसको समझा रहा होता है कि उसने जो भी किया वो अपने प्यार के लिए किया। बट बैक अब उसको एक मर्डर की नजर से देख रही होती है और जो फिर अपने घर जाता है तो वहाँ पुलिस होती है। पाको की मॉम की हालत खराब होती है और जो को पता होता है कि उसके पीछे ही उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है, बट पुलिस को ऐसा नहीं लगता। सो जो फिर से बैक के पास जाता है और उस रूम के अंदर बैक के लिए सारी फैसिलिटीज देता है, उसके अंदर टाइपराइटर रख देता है और खाने के लिए भी सब कुछ देता है, बट बैक उसको पसंद नहीं करती। वो बस वहां से बाहर निकलना चाहती है और जो उसका प्यार चाहता है। और कुछ दिन बाद पाको के रूम के बाहर रॉन खड़ा होता है, बट पाको की मॉम डोर ओपन नहीं कर रही होती है और पाको रॉन के सर के पीछे एक बैट से मार देता है। और इस बात से रॉन बहुत गुस्सा होता है और वो पाको की जान के पीछे पड़ जाता है। वो बाहर जाके छुप जाता है और पीछे से जो आकर रॉन का गला काट देता है और वो वहीं मर जाता है। और फिर वो पाको को पूरा प्लान बताता है कि वो क्या करेगा, जैसा उसने बेंजी की बॉडी के साथ किया था। और फिर बैक दिमाग लगाती है और सोचती है कि उसको जो का भरोसा जीतना पड़ेगा कि वो उससे प्यार करती है, तभी वो उस जगह से बाहर निकल पाएगी। तो बैक एक स्टोरी लिखती है और वो उस स्टोरी में वो सब कुछ लिखती है जो जो उसके साथ कर रहा होता है। बस जो को उसने डॉक्टर निकी से रिप्लेस कर दिया होता है ताकि जो उस पे बिलीव करें। और जो बैक का सोशल मीडिया अपडेट करता रहता है ताकि किसी को शक ना हो, और उसके घर जाता रहता है तो वो डिटेक्टिव देख लेता है और उसको जो पे शक हो जाता है। तो नेक्स्ट डे वो जो से पूछताछ करने जाता है, बट जो संभाल लेता है सब कुछ। लेकिन वो डिटेक्टिव ये बता देता है कि वहां पर एक सबूत मिला है, इसके डीएनए मैच से किलर का पता चल सकता है। और जो को याद आ जाता है कि उसने वहां पर टॉयलेट करके जार वहीं रख दिया था। और अब जो बैक के पास जाता है और वो पूरी स्टोरी पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि बैक उसकी साइड आ गई है, और वो गेट ओपन कर देता है और उसको गले लगाता है। लेकिन तभी वो टाइपराइटर की तरफ देखता है तो उसमें से कीज गायब होती है और बैक उसी कीज से उसके पेट में मारती है, और जो को वहां बंद करके बाहर चली जाती है। और जो बहुत नाराज होता है ये देखकर, फिर बैक वहां से भागने का ट्राई करती है पर एक गेट लॉक होता है और पाको आ जाता है और बैक उससे गेट को ओपन करने के लिए बोलती है, बट उसको जो पे ज्यादा ट्रस्ट होता है तो वो वहां से भाग जाता है। और बैक जब नीचे आती तो डोर ओपन होता है और बैक भागती है और एक हथौड़े से जो के सर पे मार देती है और फिर चाबी लेकर डोर अनलॉक करने लगती है। बट इससे पहले वो भाग पाती, पीछे से आकर जो उसको मार देता है क्योंकि वो जानता था कि बैक उसको कभी प्यार नहीं करने वाली और वो उसके लिए खतरा है। और वो दुनिया के लिए वो बैक की स्टोरी रियल बना देता है जो डॉक्टर निकी के लिए उसने लिखी थी, और डॉक्टर निकी जेल चला जाता है। और अब बैक की और जो की ये लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? सीजन 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देख लो। जो की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है, वो स्टोर में काम करता है और फिर एक दिन स्टोर में एक लड़की आती है और जब जो उससे बात करने जाता है तो वो कैंडेस होती है, जो की एक्स गर्लफ्रेंड, जो बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो, और कैंडेस का रिप्लाई होता है जी हाँ। तो गाइस ये थी स्टोरी सीजन 1 की, आई होप यू रियली लाइक इट। और इसके सीजन 2 की भी स्टोरी मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरी स्टोरी बताऊं। सो आज के लिए इतना ही, सी यू सून, बाय बाय।